हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं अगेन आ गया हूँ आपके पास। कहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, डीडीए की लोकेशन में, डीडीए ईडब्ल्यूएस फ्लैट में, जहाँ पे आपको बता दूँ जो भी सेक्टर 14 द्वारका के जो भी फ्लैट थे डीडीए के, सारे मोस्टली सोल्ड हो चुके हैं। आप पीछे देख रहे हो जो भी जो टावर है, ये टावर आपको ईडब्ल्यूएस का टावर दिख जाएगा। जो जितने भी फ्लैट हैं ये सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। और ये पीछे आपको देख सकते हैं, ये बरात घर टाइप का कम्युनिटी हॉल बना रखा है, और उसके पीछे MIG और LIG के फ्लैट हैं जो भी द्वारका सेक्टर 14 के थे, सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। आपको मैं स्पेशल ये चीज़ दिखाने के लिए आ रखा हूँ। मैं अंदर का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ जिसने भी नहीं देखा था। यदि एक बार आप चेक कर सकते हैं, यदि EWS का कोई भी फ्लैट अभी सोल्ड आउट नहीं हुआ है तो आप जाके ले सकते हैं सेक्टर 14 द्वारका। ठीक है, मैं आपको अभी बाहर का व्यू दिखा देता हूँ सेक्टर 14। अब जो मेरे पीछे टावर देख रहे हैं, एक टावर वो भी बन रहा है, ये देख सकते हैं, ये सारे टावर हैं सेक्टर 14 द्वारका के। आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ और अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ EWS के फ्लैट का। मोस्टली जो भी फ्लैट हैं सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। मैं आपको मिलता हूँ अंदर अभी वीडियो के, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाने आया हूँ। यदि मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। जो डीडे की सीरीज़ मैंने चला रखी है आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत पसंद आ रही है, कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको अभी EWS के फ्लैट का अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। मोस्टली जो भी फ्लैट हैं सोल्ड हो चुके हैं। यदि कोई बचा है तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा के रुके हुए हैं वो आप एक बार मेरा व्यू देख सकते हैं चैनल का, जो भी मेरी वीडियो है। ठीक है, मिलता हूँ आपको अंदर। मैं आ गया हूँ फ्लैट के अंदर। ये लॉबी एरिया देख सकते हैं सामने का, और ये फ्लैट के अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। देख सकते हैं ये हॉल दे रखा है आपका। ये इसकी किचन है, काफ़ी स्पेशियस अच्छी किचन दे रखी है। जिनको अलॉटमेंट हो चुके हैं उनको देखें कब मिलते हैं फ्लैट ये DDA के। और एक ये बेडरूम दे रखा है 10x10 के आसपास का है, दिखा देता हूँ मैं आपके। स्पेशल आया हूँ मैं जिसको भी अलॉटमेंट हो गए हैं उसमें, इस तरीके से वो उनका ये बालकनी एरिया देख सकते हैं आप। ये टोटल बालकनी एरिया है, और ये मैंने आपको वहाँ से एंट्री करी थी, मैंने आपको दिखाया था उधर से एंट्री करी थी। साथ में किचन है उसके, ये डोर है और ये विंडो है, और ये आप बाहर का एरिया देख सकते हैं। टोटल जो भरत विहार की कॉलोनी दिख रही है आपको, ये पूरा टावर का नज़ारा दिखा देता हूँ आपको मैं। अब जिसको भी अलॉटमेंट हुए हैं, जिसने भी लिया जाती, जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यदि वो चाहता है कि लेना, तो उस सेक्टर 14 के फ्लैट हैं ये EWS का। और ये देख सकते हैं वॉल तक टाइल है टोटली। ये फ्लैट के अंदर का नज़ारा है। मैं इस टाइम ड्राइंग रूम में हूँ, लिविंग एरिया ये देख सकते हैं, एक दो तीन चार 8.5 के आसपास का है, 9x12 के आसपास का ये हॉल है पूरा। और वहाँ से मेरी इंटरव्यू हुई थी, मैंने आपको दिखाया था। इसके सामने भी फ्लैट है, उधर का भी नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने वाले फ्लैट का सेम उसी तरीके से बना हुआ है, देख सकते हैं। ऐसी ये किचन है सामने, और ये बेडरूम दे रखा है, ये बाथरूम वॉल टक टाइल है, ये WC। इसकी बालकनी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं बालकनी। और ये जो भी आप कॉलोनी देख रहे हैं, ये भरत विहार सेक्टर 14 की कॉलोनी है द्वारका की। और ये टावर जो आप देख रहे हैं, ये वाला भी टावर 2BHK और 1BHK के टावर है सामने, जो देख रखते हैं अभी भी काम चल रहा है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ आज ही, यहाँ बाहर का नज़ारा कैसा होता है इधर की बैक साइड का। उधर भी EWS के फ्लैट है टोटली जो बन रहे हैं, मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ सारा आज। फुल वीडियो मैं आपको आज सेक्टर 14 द्वारका का फुल वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपको मिलता हूँ फ्लैट के बाहर, ठीक है। यदि मेरे चैनल को, हाय गाइस, यदि आपको मेरी DDA की सीरीज़, जिसने भी मेरी वीडियो देखी है, जिसने भी ये फ्लैट ली हैं DDA के, यदि मेरी DDA की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही, अच्छी दिखी और अच्छी जानकारी मिली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा मेरे अपने ब्लॉग के अंदर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं बैक साइड का एरिया, फ्लैट का बैक साइड का एरिया है। सामने वो टावर देखते हैं, MIG LIG के टावर है। पूरे जो टावर देख रहे हैं ये आप EWS के टावर है, टोटली EWS के टावर है। लास्ट तक वो सामने भी EWS का टावर दिख जाएगा आपको, वो सारे जितने भी है सारे EWS के टावर है। मैंने अंदर की वीडियो आपको दिखा दी है। मोस्टली जो भी टावर हैं, जो भी ये फ्लैट है, सारे सेल आउट हो चुके हैं। यदि किसी ने फ्लैट लेना है, यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन करा है, यदि कोई फ्लैट अभी सेल्ड आउट नहीं हुआ है तो आप जाके फ्लैट देख सकते हैं और ले सकते हैं। रूम का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है प्रीवियस वीडियो में भी, और जो वीडियो मेरी आएगी इसमें भी आपको रूम का व्यू मिल जाएगा। आप देख सकते हैं साथ में ये लोकल कॉलोनी है भरत विहार की, सेक्टर 14 भरत विहार कहलाता है ये सारा, ये कॉलोनी सारी। आप जो ये देख रहे हैं ये कम्युनिटी हॉल है, जिसमें से आप अपने जैसे किसी को पार्टी वार्टी कर सकते हैं इसके अंदर। ये DJ ने स्पेशल सेक्टर 19 के अंदर, सेक्टर 14 के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बना के दिया है पब्लिक के लिए, यदि किसी कोई परेशानी ना हो। अभी भी फ्लैट में काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम रेडी है, चल रहा है। आप देख सकते हैं टावर, छोटे छोटे पार्क बना रखे हैं DDA ने, ये आपको बना के दे रहे हैं। तो ये भी सामने फ्रंट एरिया है जहाँ से आपकी एंट्री है, ये फ्रंट एरिया है आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट एरिया, अभी जो सीधा सेक्टर 14 की तरफ निकलेगा मेट्रो स्टेशन की तरफ, और ये सीधा आपको राइट में कट है जो आपको वेगस मॉल की तरफ ले जाता है सेक्टर 14 की तरफ। देख सकते हैं फ्लैट टोटली मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, टोटली बाहर का एरिया कैसा है फ्लैट का देख सकते हैं आप। स्पेशली मैं ये लास्ट वीडियो बनाने आया था EWS फ्लैट की दिखाने के लिए आप लोगों को, कि अभी कितना काम हो चुका है। जिनको भी ये फ्लैट ले लिए हैं, मिल गए हैं सोल्ड, जिनने भी परचेस कर लिए हैं, अभी भी जून जुलाई तक ये हैंडओवर होंगे फ्लैट। ये बाहर का एरिया देख सकते हैं, ये बाहर का एरिया है, लॉन एरिया दे रखा है। ये फ्लैट है EWS के, पूरी बिल्डिंग देख सकते हैं, ये टोटली EWS के फ्लैट है जो आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में। अभी भी काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम रेडी है, अभी भी अपार्टमेंट्स के फ्लोर हैं जितने भी, सबके अंदर काम चल रहा है। मैं जो भी फ्लोर में होके आया हूँ मोस्टली अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, मोस्टली रेडी हुआ, लेकिन 3-4 महीने के अंदर ये आपको हैंड ओवर होंगे फ्लैट, वो भी अप्रैल के बाद। गाइस यदि मेरी ये आपको EWS फ्लैट की वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत से लोग मेरे चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी उनसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप व्यू देख सकते हैं, ये पीछे मेरे गया पार्किंग एरिया था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेशली फ्लैट का एरिया है जो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको LIG 1BHK 2BHK के फ्लैट दिखा देता हूँ, आपको मिलता हूँ उनके अंदर। अब आ गया हूँ 1BHK 2BHK का फ्लैट आपको दिखाने के लिए। यदि आप एक बार चेक कर लेना, यदि सोल्ड आउट नहीं हुआ, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो लेना चाहते हैं, एक बार मैं आपको दोबारा से वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ और आपको 1BHK 2BHK की अंदर से फ्लैट दिखा देता हूँ, ठीक है? मिलता हूँ फ्लैट के अंदर। ये 1BHK का फ्लैट है, आपको मैं एंट्री करा देता हूँ 1BHK का फ्लैट ये वाला है। साइज दिखा देता हूँ, यदि आप चेक कर सकते हैं, यदि कोई फ्लैट रह गया है सोल्ड आउट नहीं हुआ है तो आप ये फ्लैट को ले सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है ये, मैंने साइज़ आपको दिखा दिया है। किचन भी दिखा देता हूँ आपको, ये लास्ट वीडियो है मेरी DDA की, आप देख सकते हैं साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये साइज है किचन का, सिंक काफी बड़ी है, बहुत बड़ा साइज है किचन का। पीछे का किचन के बैक साइड का ये दिखा देता हूँ, वो अदर ब्लॉक है, इसका रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। रूम का साइज मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, रूम का साइज देख सकते हैं, ये रूम का साइज है और ये विंडो दे रखी है। यदि कोई फ्लैट अभी नहीं सोल्ड आउट हुआ है तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं और ये फ्लैट आप ले सकते हैं। ये मैं आपको बाहर का एक बार और व्यू दिखा देता हूँ। ये बाहर का व्यू है, वो सामने वेगस मॉल दिख रहा है आपको, वहां से जाने का रास्ता है। यदि आप देख सकते हैं कोई फ्लैट यदि सोल्ड आउट नहीं हुआ है, मोस्टली फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं, यदि जो फ्लैट सोल्ड आउट नहीं हुआ है जिसने भी रजिस्ट्रेशन करके रुके हुए हैं, तो आप ये मेरी वीडियो देख के आप देख सकते हैं और फ्लैट आके देख सकते हैं। यदि कोई फ्लैट सोल्ड आउट नहीं हुआ है तो मोस्टली मे बी फ्लैट सोल्ड आउट हो गए हैं, जैसे मैंने भी चेक किया है। 2 BHK का एक बार व्यू दिखा देता हूँ दोबारा से, ये फ्रंट का है और ये लॉबी एरिया है। जिसने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है और एक बार जाके आप चेक कर लीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड है सेक्टर 14 के अंदर 2 BHK EWS और फ्लैट के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुए तो आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं। मे बी मुझे लग रहा है कि मैं जो भी चेक किया था मोस्टली फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये किचन का एरिया है, अब देख लीजिए काफ़ी स्पेशियस किचन दे रखी है। ये बाहर का किचन के एरिया का वेंटिलेशन पूरे बाहर की बालकनी, एक एक चीज़ मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ आज दोबारा। और ये मेरी ये DDS सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, ये सेकंड रूम है देख सकते हैं, सेकंड बेडरूम है ये, इसमें साइज नहीं है, मैं भी 10x10 का ही है ये बेडरूम। वॉश मशीन और ये अटैच WC एक साथ दे रखा, वॉल टू वॉल टाइल लगा के, काफी स्पेशियस है ये भी। अच्छा बोल पर बेस प्राइस भी तो होगा ना? हाँ बेस प्राइस इतना ही है, 1.18 के आसपास का। ये सेकंड रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसके साथ अटैच WC और सब कुछ अटैच बाथरूम देख सकते हैं, इसका साइज दिखा दूँ आपको। हर किसी के साथ ना इन्होंने वेंटिलेशन दे रखी है प्रॉपर, और ये रूम है सेकंड रूम, इसकी भी बालकनी है, एक की बालकनी नहीं है, एक की विंडो है, एक की बालकनी है। ये अलमीरा वाला स्पेस है, मैं उस साइड से अंदर आया था और ये अलमीरा यहाँ बनवा सकते हैं आप, और वो बाथरूम है। और ये बाहर का बालकनी का एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और, ये बालकनी का एरिया देख सकते हैं, 2 बालकनी दे रखी है इसमें, सॉरी 3, एक किचन की भी बालकनी अलग से है, ठीक है। 2 BHK और 1 BHK की मैंने आपको वीडियो दिखा दी है पूरी, और मोस्टली फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं। यदि कोई फ्लैट सोल्ड आउट नहीं है जिसने भी रजिस्ट्रेशन करके रुके हुए हैं, तो एक बार आके विजिट करके अपना फ्लैट ले सकते हैं। ये 2 BHK मैंने आपको बताया था 118 CR के आसपास का है, और जो 1 BHK है वो 88 लाख के आसपास का है। गाइस यदि आपको मेरी DDA की सीरीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने का। और ये आपको अब लॉबी एरिया दिखा देता हूँ मैं, सामने लॉबी और ये है और ये नीचे का एरिया है, इनके साथ सबके साथ आपको पार्किंग मिलेगी, बेसमेंट में पार्किंग है। आपको मैं लिफ्ट एरिया दिखा देता हूँ, मेरे बैक साइड में भी वहाँ पे भी लिफ्ट थी, और इधर भी ये स्टेयर एरिया है देख सकते हैं, नीचे स्टेयर है और ऊपर स्टेयर जा रही है, और ये इधर भी फ्लैट है, 2 फ्लैट इधर 2 फ्लैट इधर, और ये लिफ्ट एरिया है, लिफ्ट सेक्शन है, उधर भी लिफ्ट सेक्शन है, स्टेयर का एरिया है। इस बार मैं आपको प्रॉपर दिखाने के लिए आ रखा हूँ, मार्बल लगा रखा है नीचे, पत्थर देख सकते हैं आप लोग जो EWS में नहीं लगा रखा है।
ये फ्लैट है, ये 1 BHK 2 BHK साथ में, इधर भी एक 1 BHK 2 BHK साथ में, इस तरीके से बिल्डिंग के अंदर सारे फ्लैट हैं। यहाँ से मेरी इंटरव्यू हुई थी, ये लिफ्ट का एरिया मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, ये फ्लैट का है। अब ऐसे ऊपर भी फ्लैट बने हुए हैं, एक तरफ 1 BHK एक तरफ 2 BHK का एरिया है, मैंने दिखा दिया। एक बार पार्क का एरिया दिखा देता हूँ, पीछे के बैक साइड का स्टेरियर एरिया है ये, ठीक है गाइस। मुझे काफ़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल पे जो भी आता है वीडियो देखता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का। ये लिफ्ट एरिया मैं दिखा दिया आपको, एक बार मैं आपको पार्क का व्यू दिखा देता हूँ। हाय गाइस, देख सकते हैं मेरे बैक साइड में जो ये पार्क वाला एरिया है, ये 1 BHK 2 BHK एरिए का है पार्क वाला एरिया। यदि एक बार आप जाके देख सकते हैं, यदि कोई फ्लैट सोल्ड आउट नहीं हुआ है तो आप जाके, जिसने कि रजिस्ट्रेशन करा रखा रुके हैं फ्लैट लेने के लिए, तो वो जाके अपना फ्लैट देख सकते हैं और ले सकते हैं आके। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, जो भी इसकी पोजीशन मिलेगी अभी 5-6 महीने के बाद ही मिलेगी। ये बैक वाला एरिया देख सकते हैं, सारे 1 BHK 2 BHK के फ्लैट है, टावर है सारे, ये जितने भी है देख सकते हैं पीछे, और जो लास्ट में जो टावर दिख रहे हैं बैक साइड में, वो EWS के टावर है ग्रीन कलर वाले। और पीछे इसके बैक साइड में जो भी कॉलोनी है, ये मेरे, ये जो कॉलोनी दिख रही है वाली, ये भरत विहार की कॉलोनी है। इसके बैक साइड में भरत विहार का एक लोकल कॉलोनी पड़ती है, वो भरत विहार की कॉलोनी है। एरिया देख लीजिए, पार्क वगैरह काफ़ी स्पेशियस है, जगह है। आगे तक दिखा देता हूँ मैं आपको, जो ग्रीन बिल्डिंग देख रहे हैं आपके सामने टावर हैं, जो वो EWS के टावर हैं, अभी भी काफ़ी काम चल रहा है। जी आज मैं अंदर पार्क के अंदर आ गया हूँ दिखाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से, देख सकते हैं पार्क का एरिया कितना बड़ा है। और सामने जो कॉलोनी देख रहे हो, बाउंड्री है सारी, टोटली लास्ट तक पूरी बाउंड्री है। बाउंड्री के बाद जो भी कॉलोनी है, ये जो कॉलोनी दिख रही है, ये टावर का हिस्सा नहीं है, ये कॉलोनी है, बिल्डर फ्लोर है, और ये भरत विहार की कॉलोनी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये सारे टावर, और सामने एक ये कम्युनिटी हॉल टाइप का बना रखा है DDNA स्पेशली, जो सेक्टर 19 और सेक्टर 14 के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बना के दिया हुआ है, जिसमें भी आप अपना फंक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये आजकल DDA हर जगह बना के दे रही है। अभी पार्क वगैरह का काम चल रहा है, देख सकते हैं घास वगैरह पौधे वगैरह लग रहे हैं। वो सब जितने भी कॉलोनी है, सब वो इस DDA के पार्ट नहीं है, DDA से आउटसाइड का एरिया है, बाउंड्री के बाहर का एरिया है, जो आप देख सकते हैं। हाय गाइस, और मैं अभी आपको आज बाहर का एरिया दिखा देता हूँ DDA फ्लैट का, जो सेक्टर 14 का बाहर का एरिया है। अभी थोड़ा प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पीछे बाहर का एरिया देख सकते हैं मेरे, अभी ये सेक्टर होम अपार्टमेंट है, उस तरफ जाएगा, ठीक है, सेक्टर 13 की तरफ। और ये मेरे, ये बैक साइड का एरिया है, सेक्टर 14 द्वारका की तरफ जाएगा, मेट्रो की तरफ, ठीक है, जो भरत विहार की कॉलोनी इसी तरफ आती है, जो भी लोकल कॉलोनी है। और मेरे ये पीछे बैक साइड में बाउंड्री देख सकते हैं, सारी DDA फ्लैट है, ठीक है। आपको ऐसी मैं इंफॉर्मेशन देने आया था, जो भी DDA फ्लैट की रह गई थी, जो भी DDA फ्लैट अभी जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा, जिसका रह गया है, अभी सोल्ड आउट हो गया मोस्टली, जो सोल्ड आउट नहीं हुए हैं जिनके रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, तो एक बार जाके चेक कीजिए, यदि आपको लेना है फ्लैट तो, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहूँगा, और यदि आपको मेरी DDA की सीरीज अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए अपने आगे वाले ब्लॉग के अंदर लाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा ब्लॉग देखता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आगे मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए, और ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो हर चीज़ की मैं आपको आगे आगे देता रहूँगा। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए मुझे कमेंट में बताइए, उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको ला के दूंगा जितना मेरे से होगा। बस आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलता हूँ, बाय बाय, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।